and welcome to new episode of Bindas Goom, and we have Subodh, yo, Vicky, Nitesh and Parker with us, and one more guy is coming from there. And today we are going to Bhandardara camping. Yeah, Bhandardara camping. It is a lakeside camping. So yeah, we are going there, and we have this bus today with us. Let's go. यार इसमें से कुछ तो वैसे नसीब बहुत खराब है ब्रो तेरा नसीब कैसा है सिंगल क्या अंताक्षरी अभी हम लोग कसारा घाट के इधर रुके हैं थोड़ा खाना खाने के लिए क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट बहुत ट्रैफिक था तो हम लोग अभी थोड़ा सा खा के फिर हम लोग आगे की जर्नी के लिए निकलेंगे हम लोग का लंच हुआ नहीं है तो हम लोग यहीं से कहीं पार्सल ले लेंगे और आगे चलेंगे आई गेस हम लोग आई होप हम लोग 5 बजे तक पहुँचे वहाँ पर बहुत लेट हो गया यार आधा दिन तो निकल गया अभी क्या मज़े करेंगे पता नहीं देखते हैं इगतपुरी इगतपुरी तो अभी यहाँ से हम लोग का 15 मिनट आगे भंडारदरा वो कैंपिंग जहाँ पे है वहाँ पे जाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग अभी 5 मिनट का हॉल्ट लिया है बिकॉज दिस इज द लास्ट मार्केट प्लेस दैट वी हैव बिफोर आवर कैंपिंग प्लेस सो या हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ भी जो भी कुछ लेने का बाकी है वो हम लोग लेके डायरेक्ट कैंपिंग की तरफ क्योंकि वहाँ पे आस पास कुछ सो दिस इज द मार्केट Guys, guess where I am. I'm standing on the bus. भंडारदरा में नया एक चीज़ चालू हुआ है वो है हेलीकॉप्टर राइड अगर आपको करना है तो 1,500 रुपये लेते हैं पर पर्सन और वो 15-20 मिनट्स का एक राइड रहता है एंड हियर वी हैव रीच्ड एट भंडारदरा लुक एट द प्लेस अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो बहुत सारे लोग अपने अपने ग्रुप्स के प्लान करते हैं तो हम लोग ने खुद से प्लान करने वाले थे लेकिन एक बंदा था जो ऑलरेडी एक थोड़े बहुत ग्रुप के साथ आने वाला था तो वी थॉट ऑफ कमिंग विद देम एंड हम लोग ने ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ भरे 2 दिन के प्लान के लिए उसमें लंच डिनर एंड द नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट एंड लंच इज इंक्लूडेड सो गाइज हाउ आर यू फीलिंग वी हैव रीच्ड हियर ग्रेट ये लोग बैटरी चार्ज्ड बैटरी के लैंप्स के ऊपर यहाँ पे सब कुछ चला रहे तो या हम लोग ने अभी सब सेटअप कर लिया है हमारे टेंट्स में हम लोग ने सब सामान डाल दिया है अभी थोड़ा टाइम हम लोग कुछ स्नैक्स करेंगे और स्नैक्स के बाद फिर यहाँ पे कैंप फायर होगा एंड कैंप फायर के बाद देन थोड़ा सा ऐसे ही सब लोग टाइम पास करेंगे भाई ठंडी से जो फटी है ना अभी हम लोग को लगा था कि हम लोग ने आने से पहले देखा था यहाँ पे 18 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था हम लोग को गूगल वाला ये 18 नहीं है भाई फट गई है पूरी फट गई है अभी रात के कुछ 1 बजे है ड्यू टू लेस लाइट हम लोग ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए लेकिन खाना खाने के बाद जो हालत ख़राब हुई है ऊपर से मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया शॉर्ट्स पहन के आ गया यार बम्बू फिट हो गए मेरे तो अभी हम लोग सोने जा रहे हैं आई नीड सम सनशाइन यार सीरियसली देखते मिलते हैं सुबह Thank you.
सब पीपल, फाइनली धूप आ गए और हम लोग थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं. मॉर्निंग गाइज. हाँ, तो अभी हम लोग का प्लान है कि थोड़ा हम लोग अभी फ्रेश हो गए ब्रश वगैरह करके और ऑल सब, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए. या वी आर ऑल सेट फॉर अ बोट राइड. वैसे ही हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है. गाइस चीज. वो है रतनगढ़ और वहाँ पे संदन वैली उधर से आगे. थैंक यू. दस मिनट का ही था बट इट वॉज फन. स्विमिंग टाइम एंड वी आर डन विद द स्विमिंग सेशन. नाउ यहाँ पे एक डैम है वो हम लोग देखने वाले. उस डैम का नाम क्या है? विल्सन डैम. सो विल्सन डैम पे हम लोग जाके थोड़ा सा टाइम पास करेंगे. उसके बाद हम लोग का लंच है एंड लंच के बाद हम लोग निकलेंगे. या दिस प्लेस इज रियली ऑसम गाइज. मतलब यहाँ पे आके अगर आप बैठ जाओगे ना तो जाने का मन ही नहीं करेगा बिल्कुल भी नहीं. मतलब घंटों बैठ सकते हो आप यहाँ पे, इतना पीस है. That's it from Bhandardara lake guys. Bro, मजा आया कि नहीं? Yes, super fun. It was super fun. थोड़ा management अच्छा होता ना तो I could have enjoyed more. क्योंकि जितना पैसा उन्होंने लिया था उस हिसाब से management okay था. So now हम लोग उससे अच्छा manage कर सकते. Now basically now we are heading towards Wilson Dam. After that we are going to Randa Fall. Then after we'll go again back to home. Yeah. That's our plan now. That's our plan. अभी हम लोग नंदा फॉल्स आए. मतलब यहाँ पे एक छोटा सा 6 feet का फॉल है और एक ऐसे नॉर्मल व्यू के लिए बनाया हुआ है. गुड मॉर्निंग. क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, ये वो दिन नहीं है कल का. कल हम लोग जैसे ही घर पे पहुँचे मैं जस्ट कोलैप्स हो गया. कोलैप्स मतलब लिटरली कोलैप्स. क्योंकि एक दिन पहले मेरा नींद नहीं हुआ था, इतना ठंडी, खतरनाक वाला ठंडी था. और उसके बाद जब घर पे पहुँचा तो मैं थक गया था, लिटरली थक गए थे. क्योंकि ट्रैवलिंग में हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम चले गया था. तो या ये नेक्स्ट डे है और आज 25 दिसंबर है. दैट इज़ क्रिसमस. मेरी क्रिसमस टू यू एवरीवन एंड विश यू द हैप्पी न्यू ईयर. I hope you guys like this video and if you like it give a thumbs up, share with your friends and do subscribe to my channel here and see you in the next vlog. Till then goodbye and have a great year ahead.